कि मोदी जी हमारे, हम देख लेंगे, तुम लोग जिसको मारना है, जहां पीटना है, जिसका लिंचिंग करनी है, सब करते रहो, हम देख लेंगे। कि जिस समय देश के विश्वविद्यालयों में हार्वर्ड और कैम्ब्रिज में शोध हो रहा होगा कि दुनिया आगे और बेहतर कैसे बने, यह सरकार अपने कैंपस में युद्ध करवा रही है। पहले उसने पुलिस को भेज करके जो काम किया, उसके बाद इन्होंने अब जो है अपने गुंडों को भेज कर काम किया। और गृह मंत्रालय, आपके पास तमाम तंत्र है ना, आपके पास सीबीआई है और तमाम लोग हैं, इंटेलिजेंस है, एक बार पता लगाओ कि 2 घंटे के लिए कैंपस में लाइट किसने बंद करवाई। जेएनयू के जो छात्र हैं और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के जो छात्र हैं और डीयू के भी छात्र हैं, वो एक तरफ होकर के लड़ाई लड़ना चाहते हैं और फिर भी सरकार के कान तक बात नहीं पहुंच रही, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार तानाशाही रवैया अख्तियार कर चुकी है, वह दमन पर उतारू हो चुकी है। जनता के चुने हुए, जनता के वोटों से जो सरकार चुनी गई है, वो जनता के खिलाफ एक अघोषित युद्ध छेड़ चुकी है। वो जो भी विरोध की आवाजें हैं, उनको दबाने के लिए किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार हो गई है। ये बहुत खतरनाक है देश के लिए। आप एक नीति बनाते हैं तो जनता उस पर सवाल करती है, यही डेमोक्रेसी है। सवाल पूछने वाले को आप डिलेजिटिमेट कर रहे हैं। आप कैंपस के छात्रों को, ये तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं ना है, कैंपस के छात्रों को पता होता है कि क्या सही क्या नहीं, वो उसके लिए विरोध करते हैं। आज अगर आप उनके विरोध को दमन कर रहे हो तो ये रोक नहीं पाओगे। तो ये केवल जेएनयू का मामला नहीं है, जेएनयू के ऊपर तो पहले भी इन्होंने बदनाम करने का काम किया था। आप ये डीयू में एबीवीपी के गुंडों से पिटवाते हैं, जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पुलिस को भेज करके जो अब तक किसी विश्वविद्यालय में नहीं हुआ वह काम कराते हैं। आप एक बार सोच के देखिए दोस्त, कि जिस समय देश के विश्वविद्यालयों में हार्वर्ड और कैम्ब्रिज में शोध हो रहा होगा कि दुनिया आगे और बेहतर कैसे बने, यह सरकार अपने कैंपस में युद्ध करवा रही है। पहले उसने पुलिस को भेज करके जो काम किया, उसके बाद इन्होंने अब जो है अपने गुंडों को भेज कर काम करा रहे हैं। ये बड़ा खतरनाक है इस देश के लिए, और जिनके ऊपर हमला किया जा रहा है उन्हीं के ऊपर मुकदमे डाले जा रहे हैं, तो ये इस देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन खुशी इस बात की है कि संविधान आज भी इतना मजबूत है कि वो कैंपस बचाने की भी लड़ाई लड़ेगा, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की भी लड़ाई लड़ेगा, और तुम ये जो दमन करके डरा रहे थे, इस डर को भी मानेगा नहीं, जमहूरियत को अपने साथ लेकर के लड़ाई लड़ते चलेगा। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से हमने देखा कि जब हाल ही में जब जामिया में जब घटना एक सामने आती है, उसमें पुलिसकर्मी बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं और कार्य को अंजाम दे देते हैं, और लेकिन भाई जब जेएनयू में देखते हो 3 घंटे तक लोग वहाँ अंदर पीट रहे होते हैं और छात्र पीट रहे होते हैं, लेकिन तभी भी नहीं जाते, उसके लिए क्या कहते हैं? यही पैटर्न है बाबरी मस्जिद विध्वंस का, यही पैटर्न है आरएसएस का, यही पैटर्न है गुजरात दंगे का। तो ये जो गुजरात मॉडल है ना, यही है। इस मॉडल में ये निहित है कि चिन्हित करो, इस विश्वविद्यालय को इस धर्म की पहचान से जोड़ा गया है तो उसमें पुलिस बिना इजाजत घुस के मारेगी। लेकिन जहां एबीवीपी के गुंडे घुस करके, अब तो आ गए ना भाई कि वो एबीवीपी के तमाम कैडर उसमें थे, पुलिस बाहर खड़ी होकर कह रही है कि हम वीसी के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस दरअसल गुलाम है अपने हुक्मरां का, और वो हुक्मरां वो है जो तड़ी पार रहा है, और वो पुलिस के जरिए वो काम करा रहा है जो पुलिस नहीं करना चाहती, लेकिन पुलिस ऑर्डर का गुलाम है, इसलिए वो अपने छात्रों के ऊपर ये हमले करवा रही है। यह सरकार जब पिछली बार आई थी तभी इसने हर लोकतांत्रिक संस्था को कमजोर कर दिया। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं देश में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जवाब देना ये मोदी और अमित शाह कि वो कह रहे हैं देश में सब अच्छा नहीं चला। फिल्म इंडस्ट्री के लोग आम तौर पर पॉलिटिकल बयान नहीं देते थे, लेकिन आज मजबूरी में फिल्म इंडस्ट्री के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मोदी और अमित शाह देश को बर्बाद कर रहे हैं, ये आवाज़ें गाँव तक पहुँच रही हैं। एक तरफ उनकी नफरत की सियासत है, एक तरफ संविधान है। हमें ये देखना है कि कौन जीतता है, हम संविधान को जीतते हुए देखना चाहते हैं। क्या लगता है, जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि जेएनयू जैसे बड़े यूनिवर्सिटी में अगर कोई बड़ा नेता भी जाना चाहे, चाहे कितना बड़ा कोई लीडर वो अगर जाना चाहे, तो उसको एंट्री करके जाना पड़ता है, अगर गाड़ियाँ होंगी तो गाड़ियों के लिए टोकन मिलता है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में दो लोग अंदर घुस जाते हैं और गार्ड कुछ नहीं कर पाते हैं, पुलिस देखते रह जाती है, किसको आप गलत? मैं
जो सत्ता में है दोस्तों से का है। वाइस चांसलर, दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय, आपके पास तमाम तंत्र है ना, आपके पास सीबीआई है और तमाम लोग हैं, इंटेलिजेंस है, एक बार पता लगाओ कि 2 घंटे के लिए कैंपस में लाइट किसने बंद करवाई थी जब ये मारपीट हो रही थी, जब बाहर रोड पर पुलिस के सामने लोकल और एबीवीपी के लोग आम लोगों को पीट रहे थे, स्ट्रीट लाइट किसने बंद करवाई थी, किसने उन्हें एंट्री दिया था, ये जांच का विषय है। लेकिन दिक्कत क्या है पता है, चिन्मयानंद को, कुलदीप सिंह सेंगर को, कठुआ बलात्कारियों को, ये सारे लोगों को जो न्याय नहीं दिलवा पाया ना उन पीड़ितों के पक्ष में खड़े होकर के, नजीब को जो खोज नहीं पाया, रोहित वेमुला को आत्महत्या करने के पीछे गुनहगार कौन था उसको जिसने सजा नहीं दिलवा पाया, वो क्या ही इससे हम न्याय की उम्मीद करें। वो पूरी तरह से प्रायोजित हमला था, सरकार का अपने छात्रों के ऊपर हमला था और उस हमले में पुलिस से लेकर के विश्वविद्यालय प्रशासन सब शामिल हैं, इसलिए इनसे न्याय की उम्मीद नहीं है। देखते हैं जमहूरियत में जनता कैसे इसका न्याय करती है, वो न्याय कर रही है। एक आखिरी सवाल है मेरा, जब जेएनयू के अंदर अंदर बर्बरता चल रही थी, जब लोग छात्रों को ऊपर मार रहे थे, टीचरों को मार रहे थे, अध्यापकों को मार रहे थे, और वहीं कुछ मिनट के बाद ही भारी संख्या में कुछ आ जाते हैं समर्थक और जय श्री राम के नारे लगाते हैं, एम्बुलेंस को नहीं जाने दिया जाने दिया, उसका टायर पंचर कर दिया जाता है, आखिर क्या करना चाहते हैं, कौन वो लोग हो सकते हैं? देखिए, ये सत्ता का जो मनोबल, सत्ता का मनोबल लेकर के कुछ लोग हिंसा जो फैलाते हैं ना, आप कल्पना करिए कि इस देश में लिंचिंग का कैरेक्टर कभी नहीं था। चौराहे पर खड़े करके किसी से ये पूछना कि भारत माता की जय बोलो वरना तुम देशद्रोही हो, तो उसको किसने ये कहा था कि तुमको इतना आत्मविश्वास मिला हुआ? लिंचिंग में किसी को सजा हुई? एक सवाल मेरा है, पहलू खान, जुनैद और अखलाक, इन सारे मामलों में किसी को सजा मिले? नहीं मिले। तो लिंचिंग में जब सजा नहीं देते आप, बलात्कारियों को सजा नहीं देते आप, जो भ्रष्टाचार जिन लोगों ने किया, जिनके ऊपर मुकदमे हुए, उनको सजा नहीं देते, तो ये एक मनोबल सरकार के द्वारा आम जनता और उनकी कैडर तक पहुंचता है कि तुम कोई भी गुनाह कर लो, तुम किसी की हत्या कर दो, हम देख लेंगे। ये यूपी के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट ने क्या बोला कि तुम बदला लो और हम देख लेंगे क्या होगा। तो ये जो मुख्यमंत्री ये भाषा बोलता है, गृह मंत्री टुकड़े टुकड़े गैंग कहता है, अर्बन नक्सल कहता है, ये भाषा में हिंसा जो है वो आरएसएस की दशकों पुरानी ट्रेनिंग की हिंसा है और वह हिंसा आम जन तक भर दिया है कि तुम लिंचिंग कर दो किसी की, हम देख लेंगे क्या होता है। ये वही काम अब विश्वविद्यालयों में होने लगा है, ये बहुत खतरनाक है। एक मैसेज एक वायरल हो रहा है उसमें कि काफ़ी सोशल मीडिया पे भी वायरल भी हो रहा है कि एक व्हाट्सएप मैसेज में ये लिखा गया था कि हम देख लेंगे वीसी अपना है। एग्जैक्टली वही बात है ना, वीसी क्या, उनके तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं, वो तो यही कह रहे हैं सबको कि मोदी जी हमारे, हम देख लेंगे, तुम लोग जिसको मारना है, जहाँ पीटना है, जिसका लिंचिंग करनी है, सब करते रहो, हम देख लेंगे। तो हिंसा, ये मोदी जी हाउडी मोदी में जा करके जब कहा था ना इन्होंने कि सब चंगा सी, तो उन्होंने एक बात कही थी कि हम युद्ध के नहीं बुद्ध के देश हैं। तो बुद्ध के तो 2 सूत्र हैं, सत्य और अहिंसा, तो ये हिंसक तो अपनी विचारधारा में है और सत्य ये कभी बोलते नहीं, मोदी झूठ बोलते हैं, ये रामलीला मैदान के उनके भाषण में साबित हो गया। यही पैटर्न आरएसएस और बीजेपी का है, हिंसा और झूठ बोलना। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चले, जियो यूनिवर्सिटी चले, ये तब संभव है जब जेएनयू, जामिया, डीयू, अलीगढ़, हैदराबाद ये बर्बाद हो जाए, ताकि झूठ फैलाया जा सके और अपने कैडर से हिंसा भरी जा सके। यही पैटर्न पे ये काम कर रहे हैं, यही इनका तरीका है। क्या लगता है कि किसी तरीके से जेएनयू को बंद करने की साजिश चल रही है? पूरा वो देखे, जो जेएनयू में पढ़ नहीं पाया ना, जिसकी डिग्री फेक है ना, वो यही चाहेगा जेएनयू बंद करो यार। वो हर सरकार का विरोध करते हैं, वो ऐसा सवाल पूछते हैं जिसका जवाब नहीं उनके पास है, वो बेरोजगारी पर सवाल करते हैं, शिक्षा बचाने पर सवाल करते हैं, तो उसका जवाब नहीं है उनके पास। तो वो जेएनयू ही नहीं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जरिए पूरी पब्लिक फंडेड एजुकेशन सिस्टम को ही बंद करके अशोका गलगोटिया एमिटी यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं, ताकि शिक्षा एक व्यवसाय बन जाए, कि सबको शिक्षा न मिले। तो जो मनुस्मृति का समाज था ना, कौन पढ़ेगा ये तय था, वैसे ही कुछ अमीरों के पास शिक्षा रहे, अमीरों की जेब में पैसा रहे, यही ये सरकार चाहती है। बाकी गरीब जो भूखे हैं, जिनके पास रोजगार नहीं, शिक्षा नहीं, उनके हाथ में तलवार दे करके लिंचिंग कराओ, ये इनका पैटर्न है। इसीलिए शिक्षा विरोधी हैं और आम गरीब किसान मजदूर विरोधी हैं।
आप लोग मंडी हाउस से जा रहे हैं अभी कहाँ तक? अभी MHRD जाना है। ये MHRD में एक तो मिनिस्टर ऐसा बैठा हुआ है जो संसद में बयान देता है ना कि विज्ञान से बड़ा ज्योतिष है, तो पूछा जाता है सुनामी आई तो क्यों नहीं बता पाए, तो क्या उसको भी हम बता देंगे। तो ऐसे लोग जो सरकार में बैठे हैं ना जिनकी शिक्षा ही संदिग्ध है, वो हर विश्वविद्यालय को बर्बाद कर रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में जाकर देखिए शिक्षक धरने पर बैठे। तो JNU के VC को तत्काल हटाया जाए और जितना दमन कैंपसों पर हो रहा है इसको बंद किया जाए, इसका एक मैसेज देने के लिए हम लोग MHRD जा रहे हैं।